घर में और कहीं जगह नहीं थी ना, इसलिए तुम्हारे कमरे में रखवाना पड़ा। जैसे ही भीमा वालों की तहकीकात पूरी हो जाएगी ना, फिर इस सबको फेंक ही देना है। अभी किसी काम का तो नहीं रहा ना। मम्मी, हम पापा की मदद कैसे कर सकते हैं? हम सोच रहे थे कि रचना, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। इस वक्त तुम सिर्फ अपने पढ़ाई और अपने कॉलेज पर ध्यान दो, और कुछ नहीं, समझे? वैसे भी जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, वो माँ बाप की जिम्मेदारी होते हैं। इसलिए तुम इस वक्त सिर्फ अपनी मदद करो, बस जाकर पढ़ाई करो। सॉरी सर, मैम आपको लगी तो नहीं? कर रहे थे? ये सब अगर मैं कुंचन को बताऊंगा तो वो चिंता करेगी। बोलो ना, कौन था? अरे कोई नहीं कुंचन, मुझे लगा मेरा एक स्कूल फ्रेंड था, उसी के पीछे गया था, लेकिन वो नहीं था। कुंचन, तुम्हारा हाथ कैसे? तुम ठीक तो? हाँ, अब ठीक है, अब रिस्ट भी ठीक है अब। बट मैं, तुम्हें नहीं लगता कहीं कुछ गड़बड़ है? आई मीन, कोई है या फिर कोई चीज? लेकिन ठीक से नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैम, गुंजन कुर्सी से गिरी तो, लेकिन उसके बस हाथ पे थोड़ी सी चोट लगी और कुछ नहीं हुआ। वाह, ये हुई ना बात। लेकिन मैडम, उनको मुझ पे शक हो गया है और वो। तुम जा सकते हो अभी इसी वक्त। लेकिन मैडम, मैडम मेरी नौकरी का क्या होगा? बेड पे जो फाइल पड़ी है उसे खोलो, ले लो, ये सब तुम्हारे लिए। हमारे रहते हैप्पी हनीमून कैसे हो सकता है मया? और हमारी प्यारी सौतन गुंजन, सिर्फ चोट नहीं और भी बहुत सारे तोहफे लेके जाएगी इस हनीमून से। अभी तो बस चिंगारी लगाई आग, आपका इंतजार कर जाने मन। तुम पागल हो बिल्कुल। वो तो मैं हूं। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है।